الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه मेरे अज़ीज़ भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह, भाई अल्हम्दुलिल्लाह, शमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमाम तिरमजे की किताब है उसका दरस अल्हम्दुलिल्लाह, जारी व सारी अल्लाह की तौफीक से पिछले दरस में हमारी बात यहाँ तक पहुँची थी और ख़ास तौर पर इस चैप्टर में कि जिसमें अल्लाह के नबी वसल्लम की उस मोहर का जिक्र है जिसे मोहर नबूवत कहते हैं जिसे ख़त्म नबूवत कहते हैं जिसे स्टैम्प ऑफ नबूवा कहते हैं उसके चैप्टर में हमारी बात यहाँ तक पहुँची थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन सरजस रदी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी वसल्लम के पास आए <coughs> और उन्होंने अल्लाह के नबी सल वसम दिगर साहबा के साथ थे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु सल्ल वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और अल्लाह के नबी सल्ह्स समझ गए कि ये क्या चाहते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी वसम के पीछे आया अल्लाह के नबीस ने अपनी वो रिदाए नबूत वो अपनी चादर नबूत वो चादर व कम्बली जो है कि जिसकी अल्लाह ने कस्में खाई हैं उसको हटा दिया और मैंने आपके शाने के पीछे आपके कंधे के पीछे आपके शोल्डर के पीछे लेफ्ट साइड पे नबूवत की जो मोर थी उसका देदार किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी तो बेसाख्ता मेरी ज़बान से यह निकला कि गाफ़र अल्लासूल्ला लाका आसम ए अल्लाह के हबीब अल्लाह पाक आपको मुआ फरमा दे यानी मैं इतना मुझे इतना ख़ुशी हुई इतनी ख़ुशी हुई कि बेसाख्ता मेरी ज़बान से ये निकला कि गफ़र अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लाम तो अल्लाह तो तो अल्ला के नबी वसल्लम ने मेरे इन क़लिमात के जवाब में कहा वाल का अल्लाह तुझे भी मुआफ़ कर दे और वो असाबी कहते हैं कि सहाब क़राम राम रिदवानल्ला मुझे बाद में कहते हैं कि तू तो बड़ा लक्की है बड़ा खुशकस्मत है कि तुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बशारत दी है कि अल्लाह तुझे मुआफ़ कर दे तू तो बख्शा हुआ है तो वो कहने लगा हाँ अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तो ये बशारत दी है लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ आपकी पूरी उम्मत के लिए है क्योंकि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है वज़म बिका वमु मिनीना वलमुमिनात वमत व मसवा कम मेरे नबी आप अपने लिए भी इस्तफ़ार करें और मोमन मर्दों के लिए भी इस्तफ़ार करें और मोमन औरतों के लिए भी इस्तफ़ार करें और मैंने आपको गुजारिश की थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हमारी अम्मा उम्रमोमिन सदा आयशा रदी अल्लाह तह फरमाती हैं कि एक मरतबा नबी अक्रम सल्ह ने मुझे दुआ दी और फरमाया कि आयशा अल्लाह तेरे अगले पिछले ज़ाहरी और बातनी जितने छोटे बड़े जितने गुनाह हैं अल्लाह ताला सारे गुना माफ़ कर दे तो हजरत आयशा रदी अल्लाह तन फ़रमाती हैं कि मुझे इतनी ख़ुशी हुई इतनी ख़ुशी हुई मैं ख़ुशी के साथ मेरा सर जो है वो मेरे पेट को जाके लग गया <coughs> इतनी मैं खुश हुई तो नबी अकरम ने फ़रमायायशा तुझे बड़ी ख़ुशी हुई है मेरी ये दुआ सुन के कहाँ हाँ हा या रसूल अल्लाह क्यों खुश ना हूँ मैं जब मुझे आपकी इतनी अजीम दुआ मिली है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है मैं अपनी उम्मत के हर फर्द के लिए हर नमाज के अंदर ये दुआ करता हूँ आप वो उम्मत हैं कि जिस उम्मत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बुलाया नहीं है हजरत के मौके पर मैदान अरफ़ात के अंदर मैं और आप जब दुआ करते हैं तो हमारी अपने लिए जो हम दुआ करते हैं कितनी दुआ करते हैं दस मिनट बड़ा भी कोई दुखी होगा बड़ा भी जो अल्लाह से मांगने वाला होगा पंद्रह मिनट कर लेगा बीस मिनट कर लेगा उसके बाद उसके हाथ थक जाते उसकी दुआ ख़त्म हो जाती है लेकिन हजरत विदा के मौके पे मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए नौ घंटे मुसलसल दुआ की अल्लाह से हर चीज़ मांगी अपनी उम्मत के लिए और फ़रमाया कि हाँ कुछ दुआएं मैंने अपनी उम्मत के लिए रखी हुई हैं जब मेरी उम्मत आएगी ना क़यामत के दिन हौज़ कौसर पे तो फिर मैंने अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से वो दुआएं मांगनी हैं तो अल्लाह के नबी सल वसम शफीमबी हैं वो अपनी उम्मत के हक़ में सबसे ज़्यादा शफात फरमाने वाले हैं आज मुझे पता है कि बड़ी सख्त सर्दी है यानी जनवरी की ये इंतहाई ठंडी रात और इस ठंडी रात में आप हज़रा थोड़ी सी कुर्बानी दे के अल्लाह के वसल्लम का तजकर सुनने के लिए बैठे हैं तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजकरे के साथ हमारे ईमानों के अंदर हरारत पैदा कर दे गर्मी पैदा कर दे हमारे दिलों के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अक्रमल्लम का की वो मोहब्बत और वो प्यार पैदा कर दे हैं जी मेरे एक भाई बुज़ुर्ग मुझे कह रहे थे कि मेरी वाइफ़ ने मुझसे ये चीज़ मांगी है मैं वाइफ़ को देने के लिए जा रहा हूँ तो मैंने कहा कि बैठ जाए हमने नबी का तस्करा करना है तो नबी सल्ला वसम से जो मोहब्बत है वो हमसे तकाजा करती है कि कायनात की हर चीज़ को नबी की महब्बत पे कुर्बान करना है बीवी है बच्चे हैं खामद है बेटा है बेटी है माल है दुनिया का इसलिए किल्ला का ये हुक्म है नबी यो बिल्मो मेंसम नबी तुम्हें तुम्हारी जानों से ज़्यादा अजीज़ होना चाहिए अगर हमारे ईमान के अंदर ये हरारत और ये गर्मी मौजूद है तो अलहदुल्लह अगर नहीं तो फिर हमें ये इस ये हरारत पैदा करनी है ईमान के अंदर और इन अल्लाह के फजल करम से जब अल्लाह के नबीसम का तस्कराम सुनते हैं जो मैंने बातें अर्ज़ की हैं कि जिस नबी ने नमाज़ की हर रकत के अंदर नमाज़ के हर सजदे के अंदर नमाज के हर रकू के अंदर अपनी उमत को बुलाया नहीं है तो क्या उस नबी सल्ल वम का जो है हमारे ऊपर हक़ नहीं बनता कि हम बे लौस उनके साथ प्यार करें बे लौस उनके साथ मुहब्बत करें ताकि कल के आमद के दिन अल्लाह के नबी वसल्लम की शफ़ात में नसीब हो जाए तो ये साहबी कहते हैं कि मैंने कहा कि अल्लाह के नबी वसल्लम को अल्लाह ने दिया है वस्तम्बी का वलामी वमुबिनत व्लम वमस्वाकुम और नबी अकरम अलैहि वसम का अपनी उमत के लिए ये इसफ़ार करना अपनी उम्म के लिए ये माफ़ी मंगना ये सही बुखारी की रिवायत है हज़रत आयशा रजील् तहारा अरशाद फ़रमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया फ़िर ऐशा अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं तेरे लिए दुआ करूँगा मैं तेरे लिए दुआ करूँगा और कुरान मजीद में भी अल्लाह पाक़ फरमाते हैं फ़ फ़र्माते वल्लहुमसमफ़ुसम जाऊ का फ़स्तफ़ फ़र फ़स्त फ़रल्ला वस्तफ़रअल्लासूल लवाजा तवर रहीमा अगर कोई नबी वसम की ज़िंदगी में कोई गुनाह करके आ जाए कोई गलती करके आ जाए तो अल्लाह के नबी सल वसम उसके लिए इस्तार करते हैं अल्लाह उसको फरमा देते हैं और अल्लाह कैसे फरमाते हैं आज रियाज साल की दरस में ये हदीस आई थी कि जो है ना कबीले की एक औरत अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के पास आई और आके कहने लगी या रसूल्ला मैं जो है मैंने अल्लाह की हद को तोड़ा है मैंने अल्लाह की हद को तोड़ा है अकीम आयल यह हद या रसूलल्ला मेरे ऊपर अल्लाह की हद क़ायम करें उनसे गलती हो गई वो जो है वो उनसे जना का इरतकब हो गया तो कहा कि मेरे ऊपर अल्लाह की हद क़ायम करें नबी अक्रम सला वसम ने जो उसका वली था जो उसका गार्डियन था उसे कहा कि इसे ले जाओ जब बच्चा पैदा हो जाए तो फिर लेके आना तो जब वो बच्चा पैदा हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सहाबिया ने जिससे गलती हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हद क़ैम की और अल्लाह की हद कैम होने के बाद हज़रत उसके ऊपर जनाजा पढ़ाया हज़रत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह आप इसके ऊपर जनाजा पढ़ा रहे हैं वही या जानिया और ये जानिया औरत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तुम क्या कहते हो तुम्हें नहीं पता ताबत इसने एक ऐसी तोबा की है लूसी मत बीन सब मिन अमिन अहलमदीना अगर मदीने के सत्तर गुनागारों में इसकी तोबा को तकसीम किया जाए तो सत्तर के सत्तर गुनागार जो हैं वो जन्नत में दाखिल हो जाए और एक रिवायत में आता है अगर दुनिया के सारे गुनागारों पे इसकी तोबा को तकसीम किया जाए तो सारे गुनागार जो हैं वो जन्नत में दाखिल हो जाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया इससे बढ़ के तोबा क्या हो सकती है कि इसने अपना आप अल्लाह के हजूर पेश कर दिया अपना आप अप अल्लाह के हजूर पेश कर दिया तो ये अलहद लामदल्ला इस उम्मत का एजाज़ है कि इस उम्मत के लिए अल्लाह रहमत के दरवाज़े वसी किए हुए हैं रहमत के दरवाज़े खोले हुए हैं और ये सारी रहमत जो है उस हस्ती की वजह से है जिसको अल्लाह कहते हैं वमार सलना का अहमत लालमी वमार सलना का अहमत लालमीन और ये बाब ख़त्म करने से पहले दूसरे बाब में जाने चैप्टर में जाने से पहले हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़म नबूवत जो नबूवत की मोर है उसके मुतलक पढ़ते आए हैं पीछे सारा हमने पढ़ा इसमें एक सवाल है वो सवाल ये है कि क्या हर नबी को कोई निशान दिया जाता था जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने पढ़ा है कि आपके इस कंधे के पीछे जो है दिल के बिल्कुल पिछली साइड पर नबूवत की मोर थी सारे नबियों को ये निशान दिया जाता है इसमें उलमा का अख्तिलाफ़ है बाद उलमा कहते हैं कि ये जो शान के पीछे दिल की पिछली साइड पर ये सिर्फ़ नबी अक्रम सम को अल्लाह ने निशान अता किया था ये साइन सिर्फ़ नबी अक्रमल वसलम के लिए ख़ास था इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्ह्सम ऐसी हस्ती हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह ने तबूत का सिलसिला ख़त्म कर दिया आपको माकाना महमदन आबा अहद मजा आल कम वाला कर रसूल अल्ला व ख़ा तबीन जिनको ख़ातमनबीन बना के भेजा तो उनके जस्ते अथर के ऊपर अल्लाह ताला ने ये ख़ात्म लगाई थी ये मोर लगाई थी और किसी नबी के नबी के हिस्से में ये एजाज़ नहीं आया और बाद कहते हैं कि ये जो ख़त्म नबूत कंधे के पीछे थी ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी लेकिन जो दूसरे नबी थे उनको इस राइट हैंड के ऊपर एक छोटा सा जो है वो एक निशान होता था जो नबूवत की अलामत होती थी तो बाद नबियों को अल्लाह ताला ने वो हाथ के ऊपर वो निशानी दी थी तो दूसरे नबियों के साथ ये हाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो साइन था जो आपकी अलामत थी जो आपकी निशानी थी वो सबसे ज़्यादा नुमाया थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला ने नबूवत को ख़त्म करना था इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके साथ मामला को खास किया है क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि पहले जो नबी आते थे वो एक ख़ास टाइम के लिए आते थे ख़ास लोगों के लिए आते थे ख़ास इलाके के लिए आते थे लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बेचा वमा सलना का इल्ला फ़तनासी बशरम व नज़ीरा वमा सलना का इल्ला रहमत आलमीन आपली पूरी कर अगर अल्लाह जो है वह रब्बालमीन है तो नबी अकरम सहमत लालमीन है आगे जो बाब है वो है बाबू माजा अफी शा रसूल अल्लाह वसम शार अरबी जबान में बालों को कहते हैं ठीक है एक अरबी ज़बान में शेर होता है आप हम उर्दू में भी बोलते हैं शेर शेर और शार में फ़र्क़ क्या है शेर जो होता है वो इंसान का एक शारी जो है इजहार होता है उसके दिल के अहसास व जज्बात होते हैं जिसमें वो किसी चीज़ के मतलब अपने उन एहसास का यानी एक मज़ून तरीके से एक काफ़िए और रदीफ़ और के साथ जो है वो उसका इजहार करता है जिसको हम शेर कहते हैं लेकिन शार जो होता है शीन के ऊपर ज़बर के साथ ये बालों को कहा जाता है जो इंसान के सर के ऊपर बाल होते हैं और अल्लाह ताला ने इस सर के बालों को मर्द के लिए भी ज़ीनत का बायस बनाया है खूबसूरती का बास बनाया औरत के लिए भी खूबसूरती का बास बनाया है और अगर किसी के सर के बाल नहीं होते तो ये एक ऐप तसबर किया जाता है यानी एक कमी तसवर की जाती है आप देखते हैं कि लोग इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करते क्या हीले और बहने नहीं करते क्या कुछ जो है आजकल जो है वो बाल जो है वो लगवाए जाते हैं मसनू तरीके से तो ये सारी चीज़ें तो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के बालों का और मैंने आपको बताया कि अल्लाह के नबी सल्ह् व्म अकमल हैं अल्लाह तबी अक्रमली वम में कोई कमी नहीं छोड़ी आपकी ज़ात जो है वो अकमल है कामल है मुकम्मल है अतहर है यानी हर ऐब से पाक है नबी अकरम खुलिकता मुबर्र मिन कुल्ल्या बिन का अन्ना का कद खुलिकता तशाऊ जिस तरह हज़रत हसान बिन सबत ने कहा था कि आप हर ऐब से हर नक्स से पाक पैदा हुए हैं ऐसे महसूस होता है आप अल्लाह से कहते गए अल्लाह आपकी तख्लीक फरमाता गया का अन्ना का कद खुलिकता तशाऊ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों का तस्करा है इस चैप्टर के अंदर और ये जिस तरह मौलाना फरमा रहे थे मेरे छोटे भाई आ, शेख मस्जिद के इमाम और खतीब जो हैं इमाम अब्दुल मालिक मोहसन कह रहे थे कि इस मजलस में हम रसूल अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से सही तरीन जो अहदीस हैं हम वो पढ़ते हैं और अल्लाह के नबी सल वसम की सीरत का मुकम्मल अहाता किया गया आपकी खलक से लेकर आपके खुलक तक आपके खुलक से लेकर आपके अखलाक तक आपके अखलाक से लेकर आपकी नबूवत के हर गोशे और ज़ाविये का जो है अहाता किया गया है इस किताब के अंदर शमाबी सल्ला वम तो ये ये जो चैप्टर है ये इस चैप्टर में रसूल सल्ला वसलम के बालों के का जिक्र है और मैंने आपको बताया है कि इसको शाशन और एन के ऊपर ज़बर भी कहा जा सकता है और शा यानी शीन के ऊपर ज़बर और एन के ऊपर सुकून के साथ भी पढ़ा जा सकता है और इससे मुराद क्या है सर के बाल हैं और सर के बाल जो हैं ये मर्द के लिए भी ज़ीनत होते हैं औरत के लिए भी ज़ीनत होते हैं लेकिन मर्द जो होता है वो एक ख़ास वक़्त में एक ख़ास ज़रूरत में सर के बाल जो है वो कटवा सकता है मंडवा सकता है जिस तरह के आप सब जानते हैं कि जब उम्र किया जाता है या हज किया जाता है तो अल्लाह के लिए हम अपने बालों की कुर्बानी पेश करते हैं हलक की शक्ल में और कसर की शकल में अल्लाह पाक फ़रमाते हैं लकअसद्ला रसूलिया बिल्क़ी लतादल मस्जिद अलहरामा इनशा अल्लाह आमिनीन नीना महल्कीना व मुकसरिया आप अल्लाह का ये वादा है कि आप मस्जिद हराम में दाखिल होंगे और किस कैफियत में कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो हलक करवाएँगे हलक का मतलब होता है शेव अपने बालों की शेव करवाएँगे और कुछ लोग जो हैं वो अपने बालों को कट करवाएंगे कटिंग करवाएंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाहुल अल्लाहुल राहीमल्क़ीना अल्लाहुल राहमल्लामल्लक़ीना जो अपने बालों की शेव कराते हैं अल्लाह की रहमतें उनके ऊपर हों तीन मरतबा रिपीट किया अपनी दुआ को सहाबा कहते हैं वल वलमक़सना या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जो बालों को कटवाते हैं उनके बारे में आप क्या फ़रमाते हैं चौथी मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया वल वलमक़स्ा राहिमल्लु वलमुकसरी अल्लाह उन पर भी रहम फरमाए जो अपने बाल कटवाते हैं तो तीन रहमत की दुआएँ उन लोगों के लिए हैं जो शेव करवाते हैं उम्र के मौके पर और हज के मौके पर और एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्ला व्ल् ने उनके लिए रहम की दुआ की है जो अपने बाल कटवाते हैं तो ज़रूरत के वक़्त बाल बड़े हो जाएँ तो बालों को कटवाना चाहिए मर्द को कटवाना चाहिए और इसमें अल्लाह के नबी सल्ला व्ल् की सुनत क्या है अल्लाह के नबी वम के बाल कैसे थे इसके बारे में अब इनशा हम पढ़ते हैं ये इस किताब की ट्वेंटी फ़ोर नंबर हदीस है इमाम तिरमजी कहते हैं कॉले हदसन आली उबन जोहरिन हुजरन कला अखबाराना इसमायल अबन इब्राहीमा अन हुमयदिनाना अन सिब्न मालकिन कल काना शाहरु रसूल अलैहि वसलम इला निसवी उन्ई सही मुसलम की रिवायत है हज़रत आली इबन हुजर रज़ी अल्लाह तु कहते हैं कि हमें ख़बर दी इस्माईल्बिन इब्राहीम ने और वो बयान करते हैं हज़रत हुद से जो किताबी थे और वो बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़म हज़रतनसिबन मालक से और हज़रत अनसबिन मालिक फ़रमाते हैं काना शार रसूल सल अल्हल्ल्ला के नबी स जो बाल मुबारक थे वो कहाँ तक थे अला नसफ़ी उज़ू नई ही अल्लाह के नबी वसम के बाल इतने लम्बे थे कि उनकी लम्बाई आप के इन कानों के निसब तक थी मुख्तलि हदीसें आएँगी कुछ हदीसों में कानों तक की बात है कुछ हदीसों में ये <coughs> कानों का ये जो एंड है ये जो नरम हिस्सा होता है यहाँ तक है कुछ हदीसों में अल्लाह के नबी वसल्लम के बाल जो है वो गर्दन के दरमियान तक थे और कुछ हदीसों में ऐसा है कि अल्लाह के नबी वसल्लम के बाल जो है वो कंधों को टच करते थे और ये मुख्तफ कफियात थी जब अल्लाह के नबी वसल्लम कटिंग करवाते तो फिर आपके बाल जो है वो आपके कानों के बराबर आ जाते और इसलिए हम ये देखते हैं कि किलमा ने अरबी जबान में बालों की तीन किस्में बयान की हैं बालों की तीन किस्में बयान की हैं अल्लाह के नबी नबीम की ज़ात के हवाले से तीन किस्में हैं बालों की एक वफरा और एक लिम्मा और एक जुम्मा वफरा का मतलब ये होता है वो बाल जो कानों तक पहुँचते हैं उसको अरबी ज़बान में वफरा कहते हैं और लिम्मा कहते हैं वो बाल जो कंधों के करीब होते हैं और जुम्मा कहते हैं जो कंधों को टच कर रहे होते हैं तो जब नबी अकरम सल्ला वल्ल ने कटिंग करवाई होती थी जिस हाबी ने उस हालत में अल्लाह के नबी वसम को देखा तो उसने कहा कि आपके बाल जो थे आपके कानों के बराबर थे और जब कुछ वक्त गुजर जाता आपने कटिंग नहीं करवाई बाल कुछ वक्त लंबे हो गए तो उसने देखा कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जो हैं वो गर्दन के दरमियान तक हैं और अगर ज़्यादा वक्त गुज़र जाता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल इतने लंबे हो जाते कि कंधों को जो है जो आपके ये शोल्डर थे इनको टच कर रहे होते थे इससे ज़्यादा अल्लाह के नबी वसल्लम ने बाल बड़े नहीं होने दिए ये अल्लाह के नबी वसल्लम की सुन्नत है और अल्लाह के नबी वसल्लम की सुन्नत यह है कि आपके बाल जो है वो बिल्कुल बराबर होते बिल्कुल बराबर होते आगे हम ये पढ़ेंगे इन तो इस हदीस में हमें जो चीज़ मिलती है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्ला व्ल् के बाल जे वो वो आपके कानों के नसफ़ तक थे और बाज़ हदीस में आता है कि आपके बाल जो थे वो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है जो कंधों को टच कर रहे होते और बाज़ हदीसों में आता है कि आपके बाल जो है वो बिल्कुल कंधों के करीब होते <ت <spectrum> <ت <Eastman> तो जैसे किसी सहाबी ने देखा इमाम कसिर रहामत ला बयान करते हैं बदाया व हाया के अंदर जैसे किसी सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उसने उसी तरह आपके बालों की कफ़ीत बयान कर दी और मैंने शुरू में आपको बताया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरे जिसम का किसी एक सहाबी ने बयान नहीं किया आप ज़ख़ीरा हदीस में देखें कि कोई एक सहाबी अल्लाह के नबी वसल्लम के पूरे जिसम को सर से लेकर कदमों तक बयान करे ये किसी सहाबी की जरूरत ही नहीं हो सकी इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही इतना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह ताला ने खूबसूरती इतनी रखी थी जमाल इतना था जिसकी जहाँ नज़र पड़ती वहीं टिक जाती अगर किसी की पेशानी पर पे नज़र पड़ी है तो वो पेशानी बयान कर रहा है अगर किसी ने आँखें देखी हैं तो वो आँखें बयान कर रहा है अगर किसी ने आपके गाल मुबारक देखे हैं ख़दैन देखे हैं तो वो ख़ैन की तारीफ़ कर रहा है अगर किसी ने आपके शाफ़ा आपके लब मुबारक देखे हैं तो वो लब, लब मुबारक जो हैं उनकी तारीफ कर रहा है किसी ने बाल देखे हैं किसी ने दांत देखे हैं किसी ने मेरे नबी अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए वो वही के कलीमत सुने हैं तो सारे सहबी अपने अपने तरीके से अल्लाह के नबी वम के हसन व जमाल को आपके कमाल को बयान करते हैं किसी एक सहाबी से पूरे नबी अक्रम सिसम बयान किया जाए ऐसा हमें नहीं मिलता इसलिए मुख्तल साहबी मुख्तलफ चीज़ें बयान करते हैं ये चीज़ जेन में रखिएगा तो हज़रत अनसबिन मालक ने जो ये हदीस बयान की है बालों के हवाले से तो इसके बारे में इमाम बबिन कसीर फरमाते हैं कि जिस सहाबी ने जिस तरीके से बाल देखे फ़ैिन नशा रतारतन यतुल कभी बाल लम्बे होते व तारतन युकर और कभी कभी अल्लाह के नबी बाल कटवा लेते तो जो जैसे देखता उसने वैसे ही अल्लाह के नबी वम के बाल मुबारक जो हैं वो उनका तस्करा किया है आगे जो हदीस है हदीस नंबर ट्वेंटी फ़ाइव काला हदसनो सरय काला अखबाराना अब्दुलरहमान अबिनना जिनाद अन हिशाबन अबी अन आयशत रदील तहात आना, आना व रसूल सल्हुआ वसलम बिन इना वाहिदिन वन शाहरुन फ़ौकमती हज़र इमाम तिन मजीफ रमाते हैं कि हमें हदीस बयान की हन्नाद इबन सर्री रहमतुल्लाह रमतल अलैह ने वो कहते हैं कि हमें हदीस बयान की अब्दरहमान इबन अबी जनाद ने और वो बयान करते हैं शाम इबन से और वो अपने वालद वावा से बयान करते हैं औरजरत आयश रज़ी अल्लाह तहा उमोमिन सदीक़ा बिन तद्दीक़ महबूबत रसूल सल्ला वसलम से बयान करते हैं वो फरमाती हैं कौन तो आना मैं आग तसीलो गसल करती थी आना व रसूल सल वसम और रसूल सल्म मिन इना इन वाहिदिन एक ही बर्तन से वकान नहूशा अरुन और अल्लाह के नबी वसल्लम के बाल थे फ़ौक जुम्मती वदून वफ़रा यानी जुम्मा से ज़्यादा यानी आप के कानों से लम्बे बाल थे और कंदों से ऊपर आपके बाल थे अच्छा ये हदीस जो है जिसमें हज़रत आयशा रजी अल्लाह तह कौन थी कौन थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ़ बीवी थी और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे नबी जिनको हमारे लिए नमूना करार दिया गया है जिसको अल्लाह का कुरान कहते कद लक़द फ़ी लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि वक्त हसना अल्लाह के नबी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है जिन्हें हमें नमूना करार दिया गया है तो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनमाई ज़िंदगी के हर शोबे में चाहिए ऐसे ही है कि नहीं? नहीं अगर एक खामद है तो उस खामद को भी अल्लाह के नबी वसल्लम की रहनमाई चाहिए अगर एक बीवी है तो उसको भी अल्लाह के नबी सल वसम की रहनमाई चाहिए ऐसे ही है ना तो अल्लाह के नबी वसल्लम नमूना एक कामल कब बनेंगे और इस हदीस के ऊपर बहुत से लोग इतराज़ करते हैं जिन लोगों के जेनों के अंदर वायरस होता है ना जिन लोगों के जेनों के अंदर बीमारी होती है जो अल्लाह के रसूल सल वसम की सही मानों में कदर नहीं करते या क़दर नहीं जानते या फिर वो इधर उधर के प्रापे गडे से दीन का इलम नहीं होता इधर उधर की बातें सुन के वो इस तरह की देखें जी अल्लाह के नबी वसल्लम की ऐसी हदीस बयान की जाए कि अल्लाह के नबी वसल्लम अपनी बीवी के साथ गुसल फ़रमा रहे हैं अब बीवी के साथ अल्लाह ताला ने एक खा खामद और बीवी का रिश्ता बनाया है ठीक है ना इंसान को अल्लाह पाक फरमाते व मिन आयात ही अन खाल लकुम मिन अनफुसिकुम अजवा जल इलैहा व इलेहा बैनकुम आयला व रहमा अल्लाह पाक फ़रमाते हैं या युन्नासु तकू रबाकजी खला काम नफस वाहिदा अल्लाह इज़्ज़त ने हज़रत आदम को पैदा करने के बाद सबसे पहले हज़रत आदम से उनकी बीवी को पैदा किया हज़रत हव्वा को कुरान कहता है ना सूरह निसा की पहली आयत यायून्नासु तकू रबक मज़ी खला का मिनिनफस वाहिदा व खला का मिन हा जव जहाँ लोग एक जान से पैदा किया गया है सबसे पहले उस जान से उसकी बीवी को पैदा किया और अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो चीज़ की ना जन्नत के अंदर वो हज़रत आदम और हज़रत हवा का निकाह पढ़ाना था उनका जोड़ा बनाना था मियाँ बीवी का रिश्ता क़ायम करना था और उसी मियाँ बीवी के रिश्ते के क़याम के बाद फिर अल्लाह पाक फ़रमाते हैं वस अमिन हम रिजाला कसीरमसा इस वक्त दुनिया में जितने भी मर्द हैं जितने भी औरतें हैं जिस रंग के जिस नस्ल के जो ज़बान बोलने वाले जिस इलाके में रहने वाले वो सारे के सारे उनका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ है आदमोहा से वो जोड़ा जो अल्लाह ने क़ायम किया था तो नबियों के बारे में अल्लाह कुरान में समाता है जो तुम्हारे नबी जो हैं इनके हमने बीवियाँ भी पैदा कीं इनके बच्चे भी पैदा किए ये यानी बीवियाँ भी थीं बच्चे भी थे इनकी औलादें भी हुई तो इनके माँ बाप भी थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक कामल नमूना है अगर अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम इस चीज़ को हमारे लिए बयान न करें तो इससे पहले अगर चलो ये गसल जो है ये तो एक बात की बात है लेकिन जो अल्लाह ताला ने मर्द को पैदा किया है औरत को पैदा किया है और फिर इनका जोड़ा बनाया है और अल्लाह इसके पीछे जो अडियालोजी बयान करते हैं जो फ़लसफा बयान करते हैं वो यह हली तस्कुन व ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो वजा अला बई ना को मब वरहमा रूम की है ना शेख वजा अला बना नकमरम और अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान प्यार और मोहब्बत को पैदा कर दिया है ये एक ऐसा करीबी रिश्ता है मियाँ और बीवी का जिसमें अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि अब दुनियावी लिबास ख़त्म हो गया अब तुम एक दूसरे का लिबास हो होन्ना लिबासुम व अन तुम लिबास हन्ना अब बीवी तुम्हारा लिबास है तुम खामद का लिबास हो तो अब ये इतना करीबी रिश्ता जो है और इनको भी ज़रूरत है कि कोई इनकी रहनुमाई फरमाए कोई इनको गाइड करे कि उस मौके पे कैसे हमने अपनी एक मुसलमान ने अपने उन लम्हा को गुजारना है तो उसके लिए नबी अकरम अक्रमल्लम बेहतरीन नमूना है और उसी नमूने की ये हदीस जो है हमें निशानदेही कर रही है और इस हदीस के आप इसको अगर इसलिए इस्तेमाल करेंगे जी देखें जी ये कितना हदीसें जो हैं नाउबिल्ल बिल्ला इन्होंने खुद बनाई हुई हैं ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन लम्हात को जो है आपकी बीवी बयान करे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है ना वो पूरी की पूरी नमूना है अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घर से बाहर की ज़िंदगी थी ना वो सहाबा बयान करते हैं वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र किया कोई कहते मैंने अल्लाह के नबीसम के साथ नमाज़ पढ़ी कोई कहते मैंने अल्लाह के नबी वसल्ल्लम के साथ वक्त गुज़ारा और वो चीज़ें बयान करते हैं जिस तरह आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं और जो घर का वक्त था वो किसने बयान करना है वो आपके इस वाज ने बयान करना है और वो दुनिया के हर खामद के लिए दुनिया की हर बीवी के लिए नबी अक्रमली वसम की ज़ा नमूना है और इसमें बहुत सेमा ने इस हदीस से बहुत से मसाइल बहुत से मसाइल बयान किए हैं मैं अगर बयान करूँ उतना वक, वक्त नहीं है लेकिन चंद एक चीज़ें आप देखें कि नबी अक्रम सली वसम अपनी बीवियों के साथ कितना आपका मामला अच्छा था हुसन सलूक करने वाले थे उनके साथ अच्छी कंपनी करने वाले थे ये हदीस बयान कर रही है और अल्लाह के नबी सल वसम फरमाते हैं खैरकुम खैरकुम लहली वाना खैर आहली लोगों तुम में से बेहतरीन बंदा वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर है तुम में से बेहतरीन बंदा वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतर है और मैं अपनी बीवियों के साथ सबसे ज़्यादा हक हकूक अदा करने वाला सबसे बेहतर हूँ अपनी और फरमाया कि जो जितना बीवी के हक़ में बेहतर होगा वो अल्लाह की नज़रों में उतना बेहतर होगा वो अल्लाह की नज़रों में उतना बेहतर होगा तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवियों के साथ हुस्ने सलूक उनके साथ ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा ये हदीसें हमें बयान करती और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल् अकबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में एक ही बर्तन में पानी है हैं जी एक ही बर्तन में पानी है मियाँ बीवी गुसल कर रहे हैं हैं जी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इन मोमिना ला जस मोमन जो है वो पलीद नहीं होता हैं जी खामुद भी पानी पानी ले रहा है उसी बर्तन से और बीवी भी, भी, भी उसी बर्तन से पानी ले रही है और पानी में हाथ जा रहा है तो इसका माना ये हुआ कि वो पानी नापाक नहीं हुआ पानी पाक है और एक बर्तन में कितना पानी आ सकता है तीन सा दो साने सा, में सा होता था अढ़ाई किलो का टू एंड हाफ़ किलो का उसमें पानी पड़ता था यानी फ़ाइव किलो पानी होगा एक बर्तन में इतना पानी और इतने पानी के साथ मियाँ बीवी गुसल कर रहे हैं तो अल्लाह के नबी वसल्लम की वो हदीस सामने नहीं आती अल्ला अकबर हज़रत साद रजी अल्लाह तन को अल्लाह के नबी व फरमायासादला तो सिर्फ़ साद पानी के इस्तेमाल में फ़ूल ख़र्ची ना करो हती फिल वज़ू हती के वजू में भी कहा यारसो वजू में वजू में तो आपने कहा अच्छी तरह मल के दो तो वज़ू में भी फजू खर्ची हो जाती है फरमाया हाँ वजू में भी फजूल खर्ची होती है भाई इन कुंता आला नाहरन जारिन चाहे एक बहती हुई नहर के ऊपर तुम वज़ू करो तो वहाँ भी पानी सोच समझ के इस्तेमाल करो यानी इतने मानी इतने इसके अंदर लेसन है इस हदीस के अंदर कि जिनको बयान किया जाए और पानी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना और इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो नेमत है जिसके बारे में अल्लाह कहते हैं वजा आलना मिनल्मा ईक्ला शीन हय हमने इस दुनिया में हर चीज़ को ज़िंदा रखा है किसके साथ पानी के साथ वजा आलनामा ईकुल्ला शीन हय अफ़लामून अफ़ला यू मन क्या ये इस बात को तस्लीम नहीं करते तो उस इतनी बड़ी नियमत के इस्तेमाल में अल्ला के नबी सल वसम ने हमें कहा है कि इकतसाद से काम लें मियाना रवी से इसमें जो है फजूल ख़र्ची से काम ना लें तो ये, ये हदीस जो है इस बात की दलील है कि नबी अकरम सलील वसम अपनी अहलिया के साथ जो है वो एक ही बर्तन से जो है वो गसल फरमाया करते और जो हमारे इस चैप्टर के मतलक़ है वो ये है कि नबी अक्रम सल वसम के जो बाल मुबारक थे फ़ोक अल जुम्मती वदून अलवाफ्रा वो कंदों के ऊपर थे और कानों के नीचे थे इतने थे अल्लाह के नबी सके बाल मुबारक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही इत्तबा की अल्लाह पाक नबी अकरम वसल्लम से सही प्यार और मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए जजाकुम लाख व बारकल्लाहु कम इनशा फिर आगे यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे